केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के साथ लंदन की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस दौरान वे लंदन के नेस्टेन मंदिर के नाम से जानी जाने वाले बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, तिलक करवाया और रक्षा सूत्र बनवाया। राजनाथ सिंह ने भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात, उन्होंने हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन स्वीकार किया। रक्षा मंत्री नन्ही सी बच्ची को भी गोद में लेकर दुलारते दिखे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने अंबेडकर संग्रहालय पहुंचकर पहले दलित अधिकार कार्यकर्ता और भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं रक्षा मंत्री को हॉर्स गार्ड परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर परेड में शामिल होने वाली रेजिमेंट ब्रिटिश सेना में ऐतिहासिक महत्व रखती है। साथ ही आपको बता दें कि राजनाथ सिंह इस लंदन दौरे में रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक मुद्दों पर वार्ता करेंगे। ब्रिटेन में रक्षा साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए ऋषि सुनक सरकार से रक्षा मंत्री और उनके प्रतिनिधिमंडल की चर्चा होगी। रक्षा मंत्री गोलमेज कार्यक्रम में रक्षा उद्योग के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और बाद में लंदन में भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री की यह यात्रा 22 साल के बाद हो रही है। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की ब्रिटेन की आखिरी यात्रा जनवरी 2002 में हुई थी। ऐसे में ये यात्रा डिफेंस साझेदारी को मजबूत करने की दृष्टि से काफी अहम है।